मामी जेंडेडिस, वेलकम बैक टू टेंडर कुही। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी, जो आप 9 मंथ प्लस बेबी के लिए बना सकते हैं। ये मैं अपने बेबी को आफ्टरनून के समय या डिनर के समय यानी कि 7 बजे के अराउंड देना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें दाल भी है और वेजिटेबल्स भी है, तो ये एक बैलेंस डाइट है और बेबी का पेट भी अच्छे से भर जाता है। आइए देखते हैं मैंने इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लिया है। तो मैंने लिया है 2 चम्मच चावल एंड 2 चम्मच मूंग दाल। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के वॉश कर लिया है। इसमें 2 बाउल खिचड़ी बनेगी। अगर आपको 1 बाउल खिचड़ी बनानी है तो आप 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच मूंग दाल लीजिएगा। मसालों में मैंने लिया है चुटकी भर धनिया, चुटकी भर पिसे भुने हुए जीरे का पाउडर, चुटकी भर हल्दी। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है गाजर बारीक कटा हुआ, बीन्स बारीक कटे हुए, कुछ मटर के दाने, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, चुटकी भर नमक, 1 चम्मच देसी घी और मैंने लिया है 2 ग्लास पानी। सबसे पहले आपको देसी घी डालना है 1 चम्मच। फिर आप वेजिटेबल्स डाल देंगे। यहां मैंने गाजर डाला है और बीन्स मटर, इन सबको मैं एक साथ डालकर 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। ये मैं मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर रही हूँ। एक मिनट फ्राई होने के बाद मैं इसमें मसाले डाल दूंगी, जो कि है चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर हरा धनिया और चुटकी भर भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इनको भी मैं कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी मूंग दाल और चावल, जो मैंने 15 से 20 मिनट सोक करके रखे थे और वॉश कर लिए हैं 3 बार। इसको भी थोड़ा सा वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर लूंगी। इसमें 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। और इसमें चुटकी भर नमक, ये ऑप्शनल है। अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल दूंगी, जिससे कि कुकर में जब सीटी आएगी तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। अब मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 सीटी आने तक पकाऊंगी, ताकि जो भी वेजिटेबल्स और दाल और चावल है वो अच्छे से पक जाए। 12 सीटी के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। मैंने इसको अभी मीडियम फ्लेम पे रखा है थोड़ा और पकने के लिए, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो वैसी हो जाए जैसी मुझे चाहिए। इसमें मैं अभी हरा धनिया डाल रही हूँ, जो फाइनली चॉप्ड है। आप देख सकते हैं हरा धनिया डालने से इसका जो कलर है वो कितना अच्छा हो गया है। तो अगर आपका बेबी हरा धनिया खाता है तो आप डाल सकते हैं, अगर वो हरा धनिया नहीं खाता है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। हमारी वेजिटेबल खिचड़ी की रेसिपी तैयार है, जिसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपका बेबी इसे च्यू नहीं कर पाएगा तो आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बेबी को ऐसे ही देती हूँ, वो आराम से च्यू कर पाती है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेंडर कुही। हैव अ गुड डे।